हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम इस घर से शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये ब्लॉग उसी बारे में है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे से किचन से, मेरा फेवरेट प्लेस किचन। यहीं से मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की, आप लोगों के साथ बहुत सारी कुकिंग वीडियोस भी शेयर की। तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा यहाँ का किचन। ये सारी क्लिप्स मैंने शिफ्टिंग से कुछ दिन पहले बनाई हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और इसी बहाने मेरे साथ भी इसकी कुछ मेमोरीज रह जाएंगी। ऊपर वाले रैक्स और किचन काउंटर टॉप तो अक्सर मेरी वीडियोज़ में दिखते ही रहते हैं। अब मैं आपको नीचे के कैबिनेट दिखा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी नॉन मॉड्यूलर किचन है ये, तो इसे मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। एक छोटा सा मैंने यहाँ पर स्टैंड रखा हुआ था जिसके ऊपर मैं सारे बर्तन रख देती थी, और ये जो एल शेप वाला एक कैबिनेट होता है उसमें एक्स्ट्रा सामान रहता था। और इस तरह से मैं यहाँ पर एक कैबिनेट में सारे ड्रम्स जिसमें आटा चावल वगैरह रहता था वो सब रखती थी, और इस कैबिनेट में मेरे सारे ग्रोसरी आइटम्स रहते थे जिन्हें मैं अब पैक करने वाली हूँ। तो कुछ ऐसा है मेरा किचन। और किचन की राइट साइड में आप देख सकते हैं कि फ्रिज रखा हुआ है, क्योंकि ये ओपन किचन है और फ्रिज के ऊपर ही मेरा ओवन रहता था क्योंकि किचन काउंटर टॉप पर इतनी जगह नहीं थी। और राइट साइड पे ही मेरा छोटू सा प्यारा सा DIY मंदिर जिसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था, आपके साथ शेयर किया है कई बार। मंदिर के लेफ्ट साइड में ही है हमारा रूम जो कि मेन बेडरूम है। वैसे इस घर में दो रूम है लेकिन ये वाला बड़ा रूम है, इसमें हमारा डबल बेड रहता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा बेड है हमारा, इसमें स्टोरेज बॉक्सेस नहीं है, इसीलिए मैं अलमीरा के ऊपर ही इस तरह से सारे ब्लैंकेट्स वगैरह स्टोर करके रखती थी अच्छे से कवर करके, क्योंकि हमारा हमेशा से ही प्लान था कि हमें यहाँ से चेंज तो करना ही है, इसीलिए हमने फर्नीचर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी तो बिल्कुल सिंपल सा बेड ही लिया हुआ है हमने यहाँ पर। और बेड के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि आरुष की अलमीरा रखी हुई है जो कि प्लास्टिक की अलमीरा है, कवर्ड रहती है, इसमें उसके सारे कपड़े आराम से आ जाते हैं। और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा सूटकेसेस हैं जो हम ट्रैवलिंग में यूज़ नहीं करते हैं, तो उनमें मैं जो एक्स्ट्रा क्लॉथ होते हैं वो फिल करके रख देती थी। और ये जो ब्लैक बैग्स देख रहे हैं, रिसेंटली इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया है, दो और ऐसे बैग्स मैंने ऑर्डर किए थे तो उनका रिव्यू मैंने दिया है, उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस तरफ है मेरा छोटू सा ड्रेसिंग एरिया और यहीं पर आरुष की बुक्स भी रहती हैं। और ये मेरा प्यारा सा DIY ऑर्गेनाइज़र जिसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है मुझे ये। और इस साइड पर रहता है हमारा TV, और इतना सा ही है हमारा रूम। काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से। जब घर चेंज करते हैं तो मिली जुली फीलिंग्स होती हैं, खुशी भी होती है और थोड़ा सा दुख भी होता है, क्योंकि इस घर में हमने अराउंड 5.5 साल बिताए हैं जिसमें आरुष का ऑलमोस्ट सारा बचपन ही निकला है, तो काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं यहाँ पर। तो चलिए अब पैकिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लैपटॉप बैग ले लिया है, और इसमें मैंने लैपटॉप और सारी हार्ड डिस्क और इससे जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें सारी एक ही बैग में करके रखी हैं ताकि उस टाइम पर हमें दिक्कत ना हो, और ये बैग हम खुद ही अपने साथ कैरी करेंगे। इसी में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी साथ में रख ली हैं। इस तरह से आपको छोटी छोटी पैकिंग तो खुद ही कर लेनी चाहिए, वैसे हमने पैकर्स एंड मूवर्स को हायर किया है, लेकिन वो अगर ये सब चीज़ें पैक करेंगे तो फिर बाद में आपको मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, इसीलिए थोड़ी बहुत पैकिंग मैंने खुद की है। तो जिसमें सबसे पहले तो ये लैपटॉप बैग है, और साथ ही मैंने अपने डेलिकेट ज्वेलरी जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और कुछ नेल पेंट्स वगैरह इस टाइप की जो कांच की चीज़ें होती हैं मेकअप से रिलेटेड, वो सब भी मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में अच्छे से पैक कर लिया है। घर फाइनल होने के तुरंत बाद ही मैंने पूरे घर की क्लीनिंग और पैकिंग शुरू कर दी थी। क्लीनिंग मैं चाहती तो नहीं करती, लेकिन मैंने दिवाली के हिसाब से क्लीनिंग इसलिए की थी क्योंकि एक तो मैं इस घर को गंदा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, और दूसरा कि जो भी मैं सामान यहाँ से लेकर जाऊँ वो बिल्कुल साफ़ सुथरा आ जाए ताकि मेरे को बस वहाँ जाकर रखना हो और दोबारा से इनकी सफाई ना करनी हो। तो मैंने आपको जैसा कि बताया मैंने ये दो बैग्स और ऑर्डर किए थे, तो इसमें मैं अपने सारे क्लॉथ्स रख रही हूँ। हैंगर वाले क्लॉथ्स मैंने हैंगर्स के साथ ही रखे हैं ताकि उस घर में जाकर मैं इन्हें यूं ही बस टांग दूँ और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े, तो इससे काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। और बाकी जितने एक्स्ट्रा सूटकेसेस थे मेरे पास उनमें भी मैंने कपड़े सारे पैक कर लिए थे। कपड़ों का काम पैकिंग के लिए बहुत कम रह गया था, मोस्टली मैंने बैग्स में पैक कर ही लिए थे, आप देख सकते हैं। और इनमें ही मैंने जो मेरी न्यू बेडशीट्स कुशन ये सब चीज़ें थी वो भी पैक कर ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ें मैं वहाँ जाकर एकदम से खोलूँ, तो मैं इन्हें एज इट इज़ बेड के अंदर रख दूँगी जो कि हम वहाँ जाकर न्यू बेड खरीदने वाले हैं। तो मैंने ये सब खुद ही पैक कर लिया,
वैसे तो जो पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं वो भी कपड़ों को काफ़ी अच्छे से पॉलीथीन वगैरह में पैक करते हैं, डस्ट नहीं जाती है, बट स्टिल जब मेरे पास कुछ स्टोरेज का सामान था तो मैंने खुद ही उन्हें पैक कर लिया। और मेरे पास जितने भी कार्डबोर्ड बॉक्स रखे हुए थे उनमें भी जितनी चीज़ें मैं पैक कर सकती थी मैंने पहले ही करके रख ली थी। और फाइनली अब देखिए शिफ्टिंग डे पर घर का हाल। मैंने इन लोगों को 11 बजे का टाइम दिया था लेकिन ये लोग 10:45 बजे तक ही आ गए थे। तब तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैं जस्ट नहा के निकली थी और ये लोग आ गए। और 7 लोग थे टोटल ये, और ये लोग आपको सांस लेने का मौका भी नहीं देते, बस हर तरफ शुरू हो जाते हैं सामान पैक करने। देखिए एक भैया यहाँ पर किचन के सामान को पैक करने में लगे हुए हैं और बाकी सब बड़ा बड़ा सामान पैक करके नीचे उतार रहे हैं, और एक भैया बिल्कुल जो कांच का सामान है उसे ही पैक करने लगे हुए थे। सब लोग काम बांट लेते हैं ये लोग आपस में, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पैकिंग की थी। और अगर आप चाहें तो इनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इन्हें हायर कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। इन लोगों ने हमारी शिफ्टिंग को संभाल लिया था। बहुत ही ज़रूरी टिप कि अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में कोई है जिससे आप हेल्प मांग सकते हैं तो इन्हें ज़रूर बुलाइए। यहाँ पर मेरे भैया और भाभी स्पेशली हमारी शिफ्टिंग के लिए ही आए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी थे। बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई थी मेरी, तो स्पेशल थैंक यू फॉर देम। और हाँ देखिए यहाँ पर एक भैया कांच का सामान पैक कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में पैक कर रहे हैं ये, लेकिन अगर ये बबल रैप होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि इसे ओपन करते टाइम न्यूज़पेपर में कोई आइटम दिखता नहीं है तो आपको हर एक चीज़ खोल खोल कर देखनी पड़ती है। बट एनीवेज सारा सामान अच्छे से पैक हो गया और हमारा कोई भी आइटम टूटा हुआ रिसीव हमें नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से शिफ्ट हो गया। और एक टिप और कि आप अपने साथ एक छोटा सा बैग जरूर कैरी कीजिए जिसमें आप कीज़ वगैरह रख सकते हैं और अपने वैल्यूएबल आइटम भी उसमें रख सकते हैं, कैश वगैरह या फिर कोई भी ज्वेलरी हो आपके पास। और खाने का भी आप खास ध्यान रखिए। हम लोगों ने अच्छा खासा हैवी ब्रेकफास्ट सुबह कर लिया था और लंच में भी मैंने कुछ ऐसा बनाया था जो कि हम आराम से कैरी कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी गैस वगैरह को देखने की ज़रूरत नहीं थी, हम उसे ऐसे ही खा सकते थे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और देखिए अब हमारा सामान यहाँ पर लोड हो रहा है। काफ़ी अजीब सी फीलिंग होती है इस टाइम पर जब आपका पूरा घर जो है एक टेम्पो में लोड हो जाता है। और अब हम एंटर कर रहे हैं उस सोसाइटी में जहाँ हमने न्यू हाउस रेंट किया है। जी हाँ ये भी एक रेंटेड हाउस है, बट स्टिल जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ रेंटेड हाउस भी अपना ही घर होता है। और देखिए मैंने यहाँ पर बनाई थी पाव भाजी जिसके साथ मैंने ब्रेड के पैकेट्स ले लिए थे, पाव नहीं लिए थे। तो घर में आते ही सबसे पहले हमने खाना खाया क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, 3 बज गए थे कम से कम। और देखिए पूरा सामान पूरे घर में फैला हुआ है। हम लोगों ने सबसे पहले एक बेड सेट किया और उसके ऊपर बैठ के खाना खाया। और बेड सेट करना सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है ताकि आप रेस्ट कर सकें, बाकी सामान तो धीरे धीरे खुलता रहेगा। और रात को सबसे पहले हमने किचन के ज़रूरी आइटम लगाए ताकि हम किचन को वर्किंग बना सकें और उसमें खाना बना सकें। तो ये थी मेरी कुछ छोटे छोटे टिप्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अब इस नए घर को तो सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें यहाँ शिफ्ट हुए ऑलमोस्ट 10-12 डेज़ हो गए हैं और मैंने काफ़ी हद तक सामान को सेटल कर लिया है। अगर आप इस घर का टूर भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, कोई भी सजेशन हो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।